इस समय एक्सेलसन न्यूज की टीम उस जगह पे मौजूद है जहां बीती रात यहां पे एक धमाका हुआ था। 10:25 के करीब जो लोगों का कहना है यहां पे एक जोरदार धमाके की आवाज आई थी और उसके बाद यहां पे सुरक्षा बल के अधिकारी यहां पे पहुंच चुके हैं, पुलिस महकमे के अधिकारी यहां पे, और लगातार इस पूरे इलाके की छानबीन कर रहे हैं। अगर हम ये तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करें, ये दीवार पे आप स्प्लेंडर के निशान देख सकते हैं और इसी से एक अंदाजा लग सकता है कि धमाका कितना जोरदार था। और लगातार इस पूरे इलाके में उसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है ताकि ये पता लग सके कि आखिर वो धमाका क्या था। देखिए, कोई 10:30 के रात के 10:30 के करीबन ये धमाका हुआ। इतना जबरदस्त धमाका था कि हमारे पूरे शहर के लोग डर गए। हम सोए हुए थे, हम वहाँ से उठ के यहाँ आए तो यहाँ तो बहुत मतलब हम इतना अफरा तफरी पड़ गई, लोगों में डर है काफ़ी। यहाँ मौके पे हमारे एसएसपी साहब जो पहुँच के हैं, यूके मुनासिब भी पहुँचे, उनकी टीम पहुँची है और यहाँ पे पूरा बम स्क्वाड भी पहुँचा है। तो हम यही चाहते हैं सर से, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ये जो मेन जो हार्ट ऑफ पूंछ है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ गुरुद्वारा साहब है, मान जितेंद्र साहब का गुरुद्वारा साहब है, तो इस सिटी में अगर ये छोटे छोटे हादसे हो रहे हैं तो ये हमें एक खतरे की निशानी है। तो हमारी गुजारिश है हमारे एलजी साहब से कि इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो इसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कड़ी से। देखा गया कि इस तरीके का धमाका काफी सालों के बाद यहाँ पुंछ में देखने को मिला। देखिए, बड़ी शांति था यह पुंछ में, तो मैं कहता हूँ काफी सालों के बाद इतना बड़ा जो धमाका हुआ जिसमें लोग सारे पुंछ के डरे हुए हैं। आपने देखा होगा कितने लोग यहाँ घर से आए हुए हैं, तो हमें भी अब डरे हुए, हमें अब नींद भी नहीं आ रही है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि इसकी पूरी जाँच पड़ताल होनी चाहिए। तो मैं अपने किचन में, ये मेरी किचन है, तो मैं दूध बॉइल करने लगी तो मुझे एकदम इतने ज़ोर से आवाज़ आई, धमाका। मैंने समझा ये शंटी डॉक्टर साहब हैं, इनके घर में कोई गीजर फट गया इनका। मैंने एकदम दरवाज़ा खोला, मैंने इनको आवाज़ लगाई कि शंटी के घर में कोई गीजर फट गया शायद। हम सारे बाहर निकले, दौड़ के यहाँ पहुँचे तो यहाँ देखा, यहाँ धुआं ही धुआं था। यहाँ ऊपर से ऐसे लगे कि हमें सांस नहीं ली जा रही थी, इतना धुआं था। सारे इधर निकलने लगे तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने देखा यहाँ से कोई थोड़ी सी ना जलती हुई कोई दागा किया, वहाँ से उसको दिखा, बोलता है ये ऊपर कुछ लड़क रहा है। फिर इतनी देर हमने जल्दी से चौकी वाले, यहाँ हमारे साथ रहते हैं जो पुलिस चौकी हॉस्पिटल में लगी हुई है, उनको कॉल किया तो बेचारे फटाफट वो पहुँचे, तो उन्होंने आगे कॉल करके फिर सब भी आगे पहुँच के। अब और आपको बता दें, पूंछ में इस तरीके की घटना कई सालों के बाद घटी है जिससे लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया और लगातार सुरक्षा बल यहाँ पे मौजूद हैं और इस पूरे इलाके की छानबीन कर रहे हैं कि आखिर वो धमाका किस चीज का था। पुंछ से रमेश वाली, एक्सेलसन न्यूज़।